हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको बता दूं कि मैंने इसके रिलेटेड एक और मैंने वीडियोस मैंने बना रखी है कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसकी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए वो वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लेलिस्ट भी बना रखी है पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी, वो भी आपको सारी वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी क्लास 11th के लिए। तो देखो, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने समझा था कि शुरुआत में जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो कम रेट से पहले तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कम रेट से बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, मार्जिनल प्रोडक्ट के खाली बारे में। अगर आपको याद है तो उसमें क्या था कि मार्जिनल प्रोडक्ट तो गिरता ही रहता है, सिर्फ गिरता रहता है, इसमें वही बात करने वाले हैं। तो ये देखो, ये लो क्या कहता है, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, कम होना, यानी कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बनता है, वो कम हो जाता है, ये वो कह रहा है। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो देखो कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि आप फिक्स फैक्टर को कई बार आपको बढ़ाना पड़ता है एक समय के बाद, लेकिन अगर आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर लगाते जाओगे, फिक्स फैक्टर वही कम वही है, तो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट गिर जाएगा। ये वही तरीका है जैसे हमने उसमें भी समझा था, दोबारा एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि एक लैंड है मेरे पास भैया, उसमें सिर्फ दो लोगों की ज़रूरत है, एक ही लैंड है, लैंड क्या हो गया, फिक्स फैक्टर। अब यहाँ पर अगर मैं एक लेबर लगा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, यानी कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं एक और लेबर लगाऊंगा, फिर भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। लेकिन ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में क्या होगा, जैसे ही दो लेबर अब मैंने लगा दी, अब अगर तीसरी लेबर लगाऊंगा तो क्या होगा, अब नहीं, क्योंकि मैक्सिमम दो लेबर की ज़रूरत थी, उसके बाद दो लेबर के बाद भैया आपकी प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन गिरने लग जाएगी, क्योंकि अब आपका भैया एमपी गिरेगा, ठीक है, एक समय के बाद। पहले स्टार्टिंग में बढ़ेगा, स्टार्टिंग में एमपी बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब आपकी जितना फिक्स फैक्टर कम है, फिक्स फैक्टर को जब तक आपने पूरी तरह से यूज़ नहीं करा, यानी कि जितनी वहाँ पर ज़रूरत थी वेरिएबल फैक्टर की उतना नहीं लगाए, अगर आप उतने लगाओगे तब तक तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कब बात कर रहे हैं, ये तब बात कर रहे हैं जब आपकी ज़रूरत थी जितनी उतनी लगा दिए वेरिएबल फैक्टर, उससे ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, एमपी गिर जाएगा, यही वो कह रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि अब प्रोडक्ट कम बनेंगे, अब प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनेंगे, यानी कि यहाँ पर एमपी फॉल्स, अब प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनेंगे, जब एमपी गिरेगा तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है, यानी कि टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई, तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही, इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, यही तो था सेकेंड फेज, कि अब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी उतनी लगा दी, अब उससे ज़्यादा और लगाते जाओगे, अगर और लगाते जाओगे तो क्या होगा, एक समय के बाद तीसरा फेज़ क्या आएगा, तीसरा फेज़ आएगा कि भैया एमपी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि अब प्रोडक्शन होगी नहीं बल्कि नेगेटिव में जाएगी, गिर जाएगी प्रोडक्शन, तो नेगेटिव में जाएगी। और अगर जहां एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी डिक्रीजिंग, टीपी जो है अब गिर जाएगा, टीपी डिक्रीजेस, ठीक है। ये तीन फेज थे ज़्यादातर। देखो इस लो में हम क्या करेंगे, खाली एमपी का सिर्फ गिरने वाला पोर्शन गिरेगा, यानी कि जो सेकंड फेज होता है ना, खाली इसमें वो दिखाने वाले हैं इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, कि जब एमपी गिरता है खाली, ठीक है, सिर्फ इस लॉ में ये दिखाएंगे। तो वही देखो क्या लिखा है, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स्ड फैक्टर देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। तो खाली फॉल वाला बता रहे हैं, यानी कि सेकंड फेज में होते जो एमपी नेगेटिव भी जाता है,
एम पी जीरो भी होता है वैसे तो, पहले फॉल होगा फिर जीरो होगा फिर नेगेटिव होता है, एम पी स्टार्टिंग में बढ़ता है, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे हम, सिर्फ ये वाला दिखाएंगे एम पी फॉल्स वाला। देखिए अब शेड्यूल बनाते हैं, तो एम पी फॉल वाला खाली दिखाएंगे, शेड्यूल एक बार बनाते हैं। शेड्यूल में अब देखो एक फिक्स्ड फैक्टर ले लेते हैं कोई, पहले फिक्स्ड फैक्टर जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, लैंड मान लेते हैं एकड़ में, तो वन एकड़ लैंड नहीं भरने वाला, क्योंकि लैंड क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, लैंड क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। ऐसे ही यहाँ पर एक वेरिएबल फैक्टर मान लेते हैं, हम वेरिएबल फैक्टर मान लेते हैं जैसे कि लेबर, तो यहाँ पर लेबर मान लेते हैं कि पहले मैंने एक लगाई, फिर दो लगाई, फिर तीन लगाई, फिर चार लगाई, फिर पाँच लगाई, वेरिएबल फैक्टर वहीं का वहीं है, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर नहीं बढ़ने वाला। उसके बाद यहाँ पर टीपी कैसे निकालेंगे, एमपी से, तो पहले एमपी को लेते हैं, ज़रा एमपी मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में पहले 12 प्रोडक्ट बने मान लेते हैं, फिर जैसे ही वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा लगाए, इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में एमपी गिरता है, यानी कि अब 12 की जगह मान लेते 10 प्रोडक्ट बनेंगे, कम बनेंगे अब, फिर 8 बनेंगे, फिर 6 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे। हमने सिर्फ ये वाला फेज़ दिखाया, एमपी जीरो भी होता है उसके बाद, एमपी नेगेटिव भी जाता है, ये नहीं दिखाएंगे। एमपी शुरुआत में मानता हूँ कि बढ़ता है, ये नहीं दिखाएंगे। टीपी कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट मतलब होता है कि टोटल कितना बना, जैसे कि एक वेरिएबल फैक्टर लगाया तो 12 प्रोडक्ट बने, तो 12 ही आएगा टीपी। दो वेरिएबल फैक्टर लगाए तो 10 और बने थे, टोटल कितने बन गए, 12 और 10 कितने होते हैं, 22, तो ऐसे प्लस करते जाने आपने। तीन वेरिएबल फैक्टर कर दो, 8 और बने, पहले 22 बन चुके थे, 22 और 8 कितने हो गए, टोटल कितने बन गए, 30, ऐसे निकालना है। चार वेरिएबल फैक्टर लगाए तो 6 और बने, यानी कि 30 प्लस 6 36 बने, ऐसे ही फिर 40 बने, समझ गए। अब इसको एक ग्राफ में दिखा देंगे, सिंपल, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा हमारा। आपने लिख दिया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ लिख दिया मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। देखो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही माना था, तो 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया नीचे। मार्जिनल प्रोडक्ट हमें खाली बनाना है ना, इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो ये 4 के टेबल में आ रहा है, तो 4, 4 का ही गैप ले लिया हमने, 4 के टेबल में, तो 4 को गैप ले लिया, इस तरीके से हमारा बन गया। कुछ नहीं करना, इसको बस एक्सप्लेन करना है आपने सही से, ठीक है, कि आप देख पा रहे हो कि एज सीन इन दिस, आपका इस आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर हम क्या दिखा रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर माना हुआ है, वाई एक्सिस पर मार्जिनल प्रोडक्ट माना हुआ है, और इसके अंदर हम सिर्फ सेकंड फेज दिखा रहे हैं जब एमपी गिरता है, बस, तो एमपी गिरता है सिर्फ सेकंड फेज वाला दिखा रहे हैं, और इसी क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए अब आप बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। पहले आपको बता दूँ कि एपी क्या होता है। देखिए पहले आपको क्या करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप दोनों को मीनिंग लिखिए, दोनों को मीनिंग लिखो। जैसे एपी क्या होता है, एपी का मतलब हो गया एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि एक पीस मतलब कितने एक वेरिएबल फैक्टर लगाने में कितने पीस बनते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर लगाने में। तो एपी अगर मैं आपसे बोलूँ कैसे निकलता है, आपको टीपी लेना है, टीपी को क्या करना है, टीपी को डिवाइड कर देना है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, ठीक है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से। मान लो 50 प्रोडक्ट बने, ठीक है, और 5 लेबर लगाई थी, तो 5 से पहले डिवाइड कर दूंगा कि एक लेबर लगाने में कितना प्रोडक्ट बना, वही समझ रहे हो, मतलब एक लेबर लगाने में कितने, एक लेबर कितना प्रोडक्ट बनाती है, या कह सकते हो आप कि एक वेरिएबल फैक्टर लगाने में कितने पीस बने, वो टीपी हो जाएगा, वो एपी हो जाएगा। एमपी क्या होता है, ये तो पता ही है, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि टीपी का एडिशनल होता है वो, इसका फॉर्मूला वैसे होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, कि अगर जिस भी वेरिएबल वेक्टर का आप जितने भी वेरिएबल वेक्टर लगाए उतने का टीपी एमपी निकालना चाहते हो, तो पहले उतने का टीपी देखो और उससे पिछले वाला टीपी माइनस कर दो। ये तो इसको तो हम डायरेक्ट समझ लेंगे, इसको देखते हैं पहले हम यहाँ पर शेड्यूल बनाते हैं, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या मतलब इसका। देखो शेड्यूल देखते हैं, वही ले लेते हैं सबसे पहले, फिक्स्ड फैक्टर लेते हैं सबसे पहले, फिक्स्ड फैक्टर लैंड ले लेते हैं, लैंड एकड़्स में लेंगे, ठीक है, एकड़्स में, जैसे कि यहाँ पर वही 1 एकड़ लगा रखा है, क्योंकि लैंड नहीं बढ़ने वाला, फिक्स्ड फैक्टर सेम ही रहता है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हम मान लेते हैं
कि हमने लैंड लेबर लगा रखी है, लेबर लेबर भी वही मान लेते हैं जैसे पहले एक लगाई, पहले जीरो लगाई, पहले जीरो मान लेते हैं, पहले जीरो लगाई, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, इसे फिर फाइव, ऐसे लगा दी, फिर सिक्स, ठीक है। एपी निकालते हैं। अब एपी भी निकालने से पहले आप पता ये करो, पहले आप टीपी का शेड्यूल, पहले टीपी का एक कॉलम बना लो, क्योंकि एपी जो है टीपी से निकालेगी हम आराम से, और यहाँ पर एक एमपी का निकालो, क्योंकि टीपी भी कैसे निकालेंगे एमपी से, समझ गए, पहले एमपी निकालेंगे। एमपी मान लेते हैं जैसे कि मैंने पहले, पहले तो जीरो पे तो एमपी होनेगा नहीं, जब लेबर इन लगाई तो मार्जिन बॉर्डर कैसे बन जाएगा, बन नहीं सकता, डैश। फिर मान लो एक लेबर लगाई तो दस दस पीस बने, दो लेबर लगाई तो बीस पीस बने। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, पहला फेज़ क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम वेरिएबल वेक्टर लगाते हैं तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, स्टार्टिंग में तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद जैसे ही कसर पूरी हो जाती है, यानी कि जब हमारा लेबर पूरी लग गई, लेकिन उसके बाद अगर लेबर लगाएंगे, जितने लेबर अगर ज़्यादा लेबर लगा देंगे तो क्या होगा, अब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा। अब तीसरे लेबर पे मान लो 20 नहीं बने, 15 बने, चौथी लेबर लगाई तो 7 बने, कम बने, और पाँचवीं पे बना ही नहीं, जीरो, और छठी पे माइनस में चला गया। ये मैं कह रहा था, ये हो गया, यहाँ तक हो गया पहला फेस, ये हो गया दूसरा फेस, ये हो गया तीसरा फेस जो नेगेटिव चला गया, समझ गए, ये चीज़ कह रहा था मैं। टीपी कैसे निकलता है, अभी हमने समझा था, देखो टीपी वन जीरो लेबर पे तो भैया टीपी भी जीरो होगा क्योंकि बनाई नहीं कोई प्रोडक्ट। एक लेबर पे दस पीस बने तो दस ही हो गया टीपी, दूसरी पे बीस और बने तो दस और बीस तीस हो गए टोटल, तीसरी लेबर लगाई तो पंद्रह पीस बने तो तीस और पंद्रह पैंतालीस हो गए, पैंतालीस सात फिफ्टी टू हो गए, फिफ्टी टू प्लस जीरो फिफ्टी टू और फोर्टी एट, ऐसे समझते। अब हम टीपी से निकालेंगे वेरिएबल फैक्टर, सॉरी एपी। तो जब टीपी डैश है तो भैया एपी भी तो डैश हो जाएगा, एपी बना ही नहीं कुछ भी, प्रोडक्ट ही बने। अब 10 पीस बने एक लेबर लगाने में तो एपी भी 10 ही हो गया, 10 अपॉन एक 10, यही तो फॉर्मूला था ना, टीपी अपॉन ये, ऐसे ही 30 अपॉन दो, दो लेबर लगाए तो 30 पीस बने, एक लेबर कितना मनाती होगी, डिवाइड करके निकाल लो, 15 मनाती होगी, 45 पीस बने तीन लेबर लगा के, तो 45 पीस जब बने तीन लेबर लगा के तो एक लेबर कितना मनाती होगी, 15, यहाँ भी 15 ही आएगा। फिर 52 प्रोडक्ट बने, फोर लेबर लगाए तो 52 बने, फोर लेबर लगा तो फोर से डिवाइड कर देंगे अगर, तो कितना एक लेबर बनाती होगी, तो आंसर आ जाएगा 13। 52 दोबारा से बने थे, 52 दोबारा से बने थे 52, लेकिन ये पांच लेबर लगा के बने, तो पांच लेबर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10.40, समझ गए, ऐसे करना है आपने। ऐसे 48 प्रोडक्ट 20 बने छः लेबर लगा के, तो एक कितना बनाती होगी, 6 8 48 होता है। ये ऐसे निकालना है, सबसे बड़ा तरीका ये है, आपकी बुक में सीधा एपी दे रखा है, टीपी नहीं दे रखा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप टीपी जरूर बनाओ, क्योंकि टीपी से एपी निकालना ज़्यादा आसान है, वरना आप रट्टा लगा लोगे फिगर को, तो मैं चाहता नहीं आप रट्टा लगाओ बिल्कुल भी, इस तरह से करना है। अब देखो क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमने ऐसे बना लिया, ये आपको पहले बना लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या लिखना है ये पता होना चाहिए, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर नीचे लिखते हैं, इधर ए पी एम पी, अब हमने 1 2 3 4 5 6 ही माना था, इधर 5 मार्क का गैप क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए पी और एम पी 5 5 के टेबल में ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैंने वो गैप लिया। अब एक एक करके बनाएंगे, देखो ध्यान से, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे पहले बनाते हैं एम पी बना लेते हैं, एक लेबर लगाई तो 10 पीस बने, तो जैसे कि यहाँ पर एक लेबर है, ठीक है, एक लेबर 10 पीस, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, इस तरह से प्लॉट करने पॉइंट। ऐसे ही दो लेबर लगाई तो 20 पीस बने आपके, तो दो लेबर लगाई और 20 पीस बने तो आपका 2 और 20 कहाँ आएगा, ऊपर, ऐसे, तो स्टार्टिंग में क्योंकि एमपी बढ़ता है ना, अब तो ये नेगेटिव भी जाएगा, नेगेटिव का पॉइंट कहाँ आया था, नीचे आता है, तो नेगेटिव ऐसे बना लेना आप नीचे वाला, -5 जैसे आपने ऊपर लिया ना वैसे लेना है। अब देखो तीन लेबर लगाई तो 15 पीस बने थे, तो तीन पे पंद्रह का आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे करना है आप, इस तरह से बनाते रहना, ठीक है। ऐसे चौथे पे 7 बने तो 7 कहाँ आएगा, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
एग्जैक्ट नहीं है तो क्या हो गया, सात तो पता होना चाहिए, लेकिन 10 और 5 का आधा कितना होता है, 10 और 5 का मिडल वाला कैसे निकालते हैं, 15 को डिवाइड से, 10 और 15, 10 और 5 15, 15/2 7.5, तो 7.5 बीच का आएगा, तो लगभग 7.5 के आसपास तो लगभग बीच में ही आएगा, है ना। फिर देखो 5 पे 0, 5 पे 0, तो 0 बेसिकली 5 पे 0 का मतलब ये 0 ये रहा, 5 पे ये। फिर अगले पे क्या हुआ, 6 लगाई तो -4 बने, तो -4 का मतलब क्या, नीचे आएगा -5 के हल्का सा ऊपर, तो ये ऐसे बनेगा, पहले बढ़ रहा है उसके बाद घट रहा है, तो अगर आप यहां से देखोगे तो उसके बाद घट रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है, ये एमपी आ जाएगा ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे एपी का बनाते हैं, एपी का बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे, तो देखो ये हमने कर दिया, एपी का जब आप बनाओगे तो इस तरह से बनेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपके इसके एक्सप्लेनेशन देनी है, पॉइंट लिखने हैं जो कि उसी के मेन मार्क्स है, कि दोनों का रिलेशनशिप क्या आ रहा है, दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। आप ध्यान से देखो, जब एमपी बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ रहा है, तो पहला पॉइंट यही हो गया, पहला पॉइंट यही हो गया, कुछ नहीं करना, ग्राफ को देखना है, उसके हिसाब से पॉइंट लिखने हैं, तो ये लिखना है व्हेन, या आप कह सकते हो कि व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, जब एमपी एपी से ज्यादा है तो एपी बढ़ रहा है, पहले एमपी के बारे में बताना है, फिर एपी के बारे में बताना है कि एपी पे क्या फर्क पड़ रहा है। सो व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस, लेकिन कहां तक राइज हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो एपी सिर्फ 2 यूनिट तक ही बढ़ रहा है, क्योंकि उसके बाद देखो 2 पे 15 था, 3 पे भी 15 ही है, उसके बाद घटने लग गया था, ठीक है। तीसरे वाला आप कहोगे तीसरे तक तो बढ़ रहा था, नहीं, तीसरा वाला पॉइंट पे इक्वल था, दो वाले पे जितना था ना उतने पे ही 3 पे था, तो तीसरे पे बढ़ नहीं रहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ तीसरे वाला पॉइंट को हम अलग पॉइंट में लिखेंगे ना, इसलिए आप क्या लिखो, एपी राइजेज अप टू सेकेंड वेरिएबल फैक्टर। मैं मानता हूँ कि तीसरा लिखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली गिरना तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन दूसरे वाला जो ये वाला तीसरा वाला जो पॉइंट था ना जिसमें इक्वल है, उसका हम अलग पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, उसका अलग पॉइंट बना लेंगे कि जब व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, देखो जब दोनों एक दूसरे के टकरा गए तो वहाँ पर एपी जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि अब इसके बाद गिर रहा है, पहले मैंने सिर्फ बढ़ाने वाला बताया, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, यानी कि इसके बाद नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर इक्वल आ गया, तो AP एट इट्स मैक्सिमम, और कब तक, एट 3 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब आपने 3 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगाए तब आपका क्या बन गया, तब आपका जो आपका AP है वो मैक्सिमम का मतलब क्या, इसके बाद नहीं बढ़ रहा, इसके बाद देखो गिर ही रहा है, तो हमने पहले यहाँ पर ये AP बढ़ाने वाला बात बताई, फिर इक्वल वाला बात बताई। अब देखो जब AP ज़्यादा है MP से, तो तीसरा पॉइंट ये बन जाएगा, सो व्हेन, या ये कह दो कि MP कम है AP से, सो व्हेन MP इज़ लेस देन AP, जब पहले बताया कि MP ज़्यादा है, फिर इक्वल बताया, फिर कम है, जब MP कम है, क्योंकि MP देखो नीचे है, AP तो उससे ज़्यादा है, तब देखो क्या हो रहा है कि AP गिर रहा है, यही तो बताना है, बस हमने AP गिर रहा है, तो यहाँ पर लिखना है AP फॉल्स, सिंपल, ग्राफ को देखे था ना कि पहले AP बढ़ रहा है, फिर इक्वल हुआ, फिर गिर रहा है, तो कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, 4 यूनिट से, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तीसरे तक तो बात यहाँ पर कर दी, सो फ्रॉम 4th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ऐसे लिखना है, कुछ नहीं करना, इतनी आसान एक्सप्रेशन होती है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ इतनी आसान होती है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, अब आपको चौथा पॉइंट बस बनाना है कि उसके बाद दोनों ही गिर रहे हैं, यानी कि उसके बाद दोनों गिरेंगे, लेकिन MP नेगेटिव हो जाएगा, लास्ट पॉइंट बनाना है कि MP तो नेगेटिव हो जाएगा, बट AP नेगेटिव नहीं हो सकता, AP नेगेटिव नहीं होगा, सो देयर आफ्टर बोथ AP एंड MP फोर्स, उसके बाद दोनों ही गिर रहे हैं, ठीक है, बट MP बिकम्स नेगेटिव, ये आपको मेन समझना है, MP तो नेगेटिव हो जाएगा लेकिन AP नेगेटिव नहीं होगा, वेयर एज
वेयर एज एपी रिमेंस पॉजिटिव। बस यही आपको चीज समझनी है, एपी पॉजिटिव रहेगा। और ये भी आपको एक बात ध्यान समझो कि एमपी बहुत तेजी से गिर रहा है, लेकिन एमपी एपी थोड़ा सा कम रेट से गिर रहा है। एक और लाइन देख सकते हो कि एमपी एमपी फॉल्स एट अ फास्टर रेट इन कंपैरिजन टू फॉल इन एपी। तो एमपी बहुत ज़्यादा गिरेगा कि बिकॉज एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो तो एकदम से कम बनेगा। बट एपी कैसे निकालते हैं, एपी तो टीपी से निकालते हैं ना, और टीपी को डिवाइड करके निकालते हैं। तो ये ज़्यादा फिर डिवाइड जब डिवाइड करके निकालेंगे तो देखो ज़्यादा कम नहीं होता। हाँ एकदम से मार्जिनल प्रोडक्ट तो बहुत कम हो जाता है, बट एपी तो टीपी से निकाल रहे हैं ना, और टीपी आप देखो ज़्यादा एक तो एक दो से कम तो नहीं हो रहा। और एक और चीज़ आप एक और चीज़ देखो ध्यान से, एपी नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि टीपी नेगेटिव नहीं हो रहा ना। टीपी अगर नेगेटिव हो जाता तो टीपी से ही एपी निकालते हैं, लेकिन टीपी तो पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि टीपी क्या होता है, टीपी तो टोटल प्रोडक्ट है। एमपी नेगेटिव होगा लेकिन टीपी तो प्लस करके निकालते हैं ना, एमपी से एमपी को प्लस करके निकाले जाएंगे। तो बेशक टीपी गिरेगा बट कभी भी नेगेटिव नहीं जा रहा है, इस वजह से एपी भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और टीपी बहुत तेजी से भी नहीं गिर रहा, इसलिए आप ध्यान से देखो एपी भी बहुत तेजी से नहीं गिर रहा, इसलिए एमपी ज़्यादा तेजी से गिरता है एपी से। क्लियर, यही था हमारा रिलेशनशिप। आई होप आपको सब चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी, ये लो भी सब अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।